कितने अच्छे आ रहे हैं अभी। सब्जी वाले भैया हैं, रोज ही ताज़ी ताज़ी अच्छी सब्जियाँ लेके आते हैं और हमेशा मेरे को सबसे पहले दे के जाते हैं और बहुत ही फ्रेश सब्जी लाते हैं। मैं रोज़ फ्रेश सब्जी रोज़ की रोज़ इनसे ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छी लेके आते हैं और बिल्कुल टाइमिंग पे आते हैं। तो सब्जी लेके आ गई हूँ और निकाल के और धो दी है, और अभी हरी सब्जी को मैं साफ करके भी काट के धोऊंगी, और साथ ही साथ अदरक देखिए इतना सारा सर्दी में लेते और भी पड़ा है मेरे अंदर, अच्छे से धो के इसको सुखा के रख लेते डब्बे में। उससे क्या होता है, चाय वगैरह में डाल लो आप, अच्छा रहता है और गला वगैरह भी खराब नहीं होता है, और अदरक की चाय सर्दी में अच्छी रहती है और टेस्टी भी लगती है। तो आप सभी लोग पीजिए अदरक की चाय, साथ में इलायची भी डाल लो कूट के थोड़ी सी, तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और साथ ही साथ दूध गर्म हो रहा है, यहाँ पे सुबह का समय है और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू, बॉईल करके रखती हूँ तो उसको मैश करके और मसाला मिला दिया है मैंने। अब ये थोड़े प्याज वगैरह, मतलब मसाला मिला रही हूँ, मिला नहीं दिया, प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया साथ ही काट के मैंने रख दिया। सुबह का क्या, जल्दी का समय होता है तो फटाफट से नाश्ता बनाऊँगी मैं। तो मैं बना रही हूँ आज, दादी साहब को थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज हो जाते, कभी कभी अलग अलग तरह के पराठे दे देती हूँ, नमक डाल दिया मैंने और लाल मिर्च पाउडर हल्का सा, नाश्ते में ज़्यादा स्पाइसी अच्छे नहीं लगता, और थोड़ा सा इसमें जीरा, वैसे ही साबुत जीरा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ अमचूर खटाई के लिए डाल देंगे। तो ये अमचूर डाल दी मैंने, और साथ में थोड़ा सा पुदीना, सूखा पुदीना पाउडर, तो वो भी मिला देंगे, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। और भुना हुआ जीरा पाउडर बहुत थोड़ा सा डालें, नहीं तो ये इसको सारे टेस्ट को खराब भी कर देता है, ज़्यादा होता है, तो बस थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा इसका। तो भुना हुआ जीरा पाउडर सब मिक्स हो गए अब मसाले, और देखिए मैंने कितने लाइट मसाले डाले, बहुत थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर फ्राई कर दिया है, और अब सब चीज़ें मिला दी मैंने और मसाला। अब इसके मैं बनाऊंगी आज ब्रेड रोल, तो दादी सब को कभी कभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सब और भी सब जने खा लेते हैं, तो कभी पराठे आलू के, मूली के, और कभी ना कोरमे के, ऐसे बन जाते हैं, नहीं तो फिर कभी ब्रेड रोल या ब्रेड पकौड़ा कुछ भी इस टाइप का भी बना देते हैं बीच बीच में, रोज नहीं, रोज क्योंकि फ्राइड आइटम अच्छे नहीं रहते, कभी कभी बना देते सप्ताह में एक दो बार। तो यहाँ पे ब्रेड रोल फ्राई हो रहे हैं, वो फटाफट से फ्राई करके और दादी सब को दे देंगे नाश्ता करने के लिए। तो लंच बन गया है, और लंच में मैंने बनाया है यहाँ पे मूली पालक की सब्जी बनाई है मैंने, जो कि सोगरे के यानी बाजरे की रोटी के साथ अच्छी लगती है, साथ ही साथ दाल भी बना दी है मैंने, और साथ में मैंने थोड़ा दूध पड़ा था उसमें केसर और पिस्ता, थोड़ी इलायची डाल के, कल से दूध फीनी या कुछ खाते हैं उसमें डाल के, थोड़ी सी शुगर हल्की सी डाल के और उबाले देके, और दूध बना दिया मैंने केसर पिस्ता वाला, तो कोई भी पी भी सकते हैं या फिर किसी चीज़ में फीनी जलेबी में डाल के खा लो। और साथ ही साथ मैंने बनाई है, बन चुकी है, बंद कर देती हूँ गैस को, अंडे की सब्जी, जो कि अर्जुन खाता है जिम जाके आया है, तो उसके लिए मैंने अंडे की सब्जी बना दी है, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा प्याज और हरा धनिया डाल देते हैं। तो उसने कहा था मेरे अंडे की कभी वो भुजी या ऑमलेट या वो बॉयल एग खा लेता है, तो आज अंडे की सब्जी बना दी है, और साथ ही साथ थोड़े से राइस बना दिए, यहाँ पे प्लेन राइस है, कोई दाल के साथ खा लेगा या उसने बोला मैं एग करी के साथ खाऊंगा, जैसे भी होगा तो वो खा लेंगे सब। तो इसी तरह से लंच का काम कंप्लीट हो गया, फुलके गरम बनाऊंगी, कभी बाजरे की रोटी या फुलके होते हैं वो सर्दी है, तो मैं अभी बाद में बनाऊंगी जब खाएंगे उसी समय। तो अब सारा सब्जियां वगैरह तो कंप्लीट हो गई, और ये रोटी और बाजरे की रोटी वो जब खाएंगे तभी बनाएंगे। तो जैसा कि लंच तो बन गया है, और सुबह नाश्ते में ब्रेड रोल भी बन चुके थे, और आज शाम को जाएंगे देवांगना के बर्थडे में, तो हम लोग, हमारे मेरी भतीजी है सलोनी, उसकी बेटी का फर्स्ट बर्थडे, पहला बर्थडे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो, तो वहाँ पे जाएंगी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब जाएंगी तब। तो अब जा रहे हैं, मेरी भतीजी है सलोनी, तो उसके घर, जिसको आपने कहीं ब्लॉग में देखा होगा, तो उसकी बेटी हुई थी और मैंने गोद भराई और घर में खाना खाने भी बुलाया था रेस्टोरेंट में, तब भी हमने वीडियो बनाया था, वो भी डाला था, और अब उसकी बेटी हो गई है प्यारी सी गुड़िया, और जिसका नाम है देवांगना, वो साल भर की हो गई है आज 13 दिसंबर को, तो आज जा रहे हैं वहाँ पे उसका बर्थडे मनाएंगे। तो आगे हैं
सलोनी के ससुराल पे उनके घर पर, और घर पे सेलिब्रेशन है बर्थडे का हमारी प्यारी सी देवांगना के बर्थडे का। तो देखें आप गुब्बारे वगैरह सेलिब्रेशन और डॉल्स और क्या यहाँ पे बार्बी डॉल्स और सब पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो अब चलते हैं अंदर। चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमागनी।